नमस्कार दोस्तों, वायरल वायरस में आपका फिर से स्वागत है और मेरा नाम है राजेश वर्मा। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे सोनी वेगस प्रो के द्वारा अपने किसी भी वीडियो में स्लो मोशन का इफेक्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप्स है ये। मैंने अपने पहले वीडियो में छोटा सा ट्यूटोरियल बनाया है सोनी वेगस प्रो के लिए, जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे उसके यूजर्स बताए हुए हैं। तो इस वीडियो में आप देखते रहिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्लो मोशन का इफेक्ट किसी भी वीडियो में कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपके पास सोनी वेगस प्रो होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास 14 जो इसका वर्जन है 14.0 ये है मेरे पास। तो मैं इसके द्वारा आपको बताऊंगा कि इसमें हम स्लो मोशन इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी कोई वीडियो नहीं था बनाने के लिए, तो मैं HD में एक वीडियो डाउनलोड करना चाहता था जो यहाँ पर मुझे इंटरनेट से मिला हुआ है। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इसके साउंड को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आप ग्रुप में जाइए, ग्रुप में जाने के बाद रिमूव फ्रॉम में क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिक करके फिर से डिलीट का बटन दबा सकते हैं। ये जो साउंड होता है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, और उसके बाद फिर हम अपना वीडियो का जो एडिटिंग है उसको शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो वीडियो है वो 4K मतलब काफ़ी HD में क्वालिटी में है। मैं 720 पिक्सल में इसको डाउनलोड किया हूँ। ये जो ट्रैक है इसको हम डिलीट कर देते हैं डिलीट ट्रैक में क्लिक करके, और हमारे पास अब अवेलेबल है सिर्फ एक वीडियो। तो ये पहले से ही स्लो है, लेकिन काफ़ी हद तक इसको हम और स्लो कर सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल की तरह आपको बता रहा हूँ कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना स्पीड इसका यहाँ पर आपको दिख रहा है, जितने भी इफेक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं उसको हम कैसे स्लो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका ट्रैक है वीडियो ट्रैक, इसमें आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना होगा। जैसे ही आप प्रॉपर्टी में यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर प्लेबैक जो रेट है ये आपको दिखाया जाता है 1.0 के लिए। तो नॉर्मल जो वीडियो हमारे चलते हैं वो स्लो मोशन में बना हुआ है, फिर भी वो 1.0 में है, इसलिए क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो हमारा वीडियो का रेट होता है वो 1.0 ही होता है। उससे अगर आपको कुछ स्लो करना हो या फिर आपको वीडियो को फास्ट करने हो तो यहाँ पर आप आके इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1.0 है उसको हम पॉइंट कर सकते हैं 0.500 अगर मैं कर देता हूँ इसको, तो ये जो वीडियो है वो और काफ़ी स्लो हो जाएगा, जितना स्लो था उससे ज़्यादा जो स्लो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे में एक बार और देखिएगा अपने वीडियो पे, ये ख्याल रखिएगा कि आपका जो वीडियो है वो 13 पर सेकेंड 30 फ्रेम बनाता है या फिर 25 फ्रेम बनाता है या फिर 20 बनाता है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप जितना ज़्यादा फ्रेम का पर सेकंड जितना ज़्यादा फ्रेम का वीडियो बनाते हैं उतना ही बेटर आपका जो एनिमेशन है और स्लो मोशन है वो आपको इफेक्टिव लगेगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास वीडियो है वो 25 पर सेकंड का है, फ्रेम पर सेकंड का। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है FPS, तो इसका मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड। तो यहाँ पर 25 फ्रेम है मेरे पास 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर मैं इसको जो एडिट करने के लिए है यहाँ पर 0.500 लिख चुका हूँ। इसके बाद फिर हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अपने प्ले को वीडियो को फिर से अगर प्ले करते हैं तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जितना स्लो था उससे ज़्यादा स्लो हो चुका है अभी। अगर आपको इफेक्ट इस पर पता नहीं चलता है तो आप और एक फास्ट वीडियो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको एग्जांपल की तरह बता रहा हूं। आप कोई सा भी फास्ट वीडियो लीजिए और उसको आप यहां पर स्लो करके देखिए। मैं फिर से एक बार स्टेप आपको ना दोहरा देता हूं। यहां पर राइट क्लिक करना है आपको, प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको सिर्फ यहां पर फ्रेम पर सेकंड आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा 1.00 है, उसको आप जितना स्लो मोशन करना चाहें उतना स्लो मोशन में कर सकते हैं। अगर आप इसको फास्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फास्ट भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर 1.0 के लिए यहाँ पर जैसे पहले डिफ़ॉल्ट था, इसको आप हटा के 1.500 कर सकते हैं, तो ये काफ़ी स्पीड में हो जाएगा। और आप जैसे देख सकते हैं कि जो वीडियो स्लो था उसको आप फास्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें आपके वीडियो के फ्रेम रेट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपका वीडियो जो है वो कितने फ्रेम का है पर सेकंड के लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आगे मैं भी आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस और नई नई जानकारियां लाते रहूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।